आई होप मेरी गाड़ी चालू हो जाए, बहुत टाइम से चालू नहीं किया था गाड़ी को, क्या मर मर के चालू हुई कोकी कोकी करके। भाई अगर आज गाड़ी चालू नहीं होता ना तो भाई मेरी तो वाट लग गई होती। चलो लेकिन फिलहाल तो गाड़ी चालू हो गई है, सही है। अभी निकलते फटाफट वॉशिंग सेंटर जाते हैं एंड गाड़ी को मस्त क्लीन करवाते हैं। भाई मुझे ना अपनी इनोवा में से ना कुछ सामान निकालना, जैसे चार्जर वगैरह वगैरह, क्योंकि बैटरी जो चार्जिंग है ना वो भाई बहुत कम है, तो ये निकाल देता हूँ। प्लस ऋषि के लिए आज ये रख देता हूँ गाड़ी में। तो गाइस आज का टेस्ट टाइटल देखा आपको पता चल गया रहेगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। यस गाइस, तो आज हम लोग फिलहाल जाने वाले हैं रात को दिल्ली। तो क्या है वो तो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा, पर फिलहाल तो मुझे बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है बीच बीच में ना। एक्सक्यूज मी सॉरी। तो चलो पहुंच गए अभी सर्विस सेंटर पे एंड यहाँ पे गाड़ी सर्विस करवा लेते हैं। भाई थोड़ा लेट आने से ना मेरे गाड़ी के आगे और चार गाड़ी है, मतलब मैं ऑलमोस्ट फिफ्थ नंबर पे हूँ। उसमें मतलब कम से कम एक घंटा आपका वेटिंग हो जाएगा एंड उसके बाद और 45 मिनट्स लगेगा गाड़ी को वॉश होने में। तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है, वेट तो करना ही करना है। तो चलो वेट करते हैं। भाई और कितना नंबर है मेरे आगे पता नहीं है। भाई मेरी गाड़ी भी और बहुत पीछे खड़ी है एंड बादल देखो फुल ब्लैक है। भाई ऐसा लगता है बहुत जोर से बारिश होगी, तो शायद वॉशिंग में कुछ फ़ायदा नहीं है। पर अपना मेन पर्पज़ क्या था वो था चूहे का। अपनी गाड़ी यहाँ पे आ गई है एंड आई गेस इसके बाद अपना अपनी गाड़ी का नंबर ही रहेगा। अपनी गाड़ी का काम चालू हो चुका है, चालू हो चुका है एंड मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड क्या सॉरी बोनेट है, तो वहाँ पे तो रास्ते से पानी वानी मारे ताकि सर एक चूहे का जो घर बना है ना वो सब टूट जाए, उखड़ जाए, उजड़ जाए। गाड़ी वॉश हो चुकी है एंड ये मिला है मुझे उनकी तरफ से। मतलब आप जब भी यहाँ पे कार वॉश कराते हैं ना तो आप लोग आपको एक टिश्यू का बॉक्स एंड कुछ आइटम मिलता है, जिस पर मैं उन्होंने मुझे ये दिया है, ये भी शायद परफ्यूम टाइप ही है। एंड जो हमारी गाड़ी है वो अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, काट रहे हैं वो रही। यहाँ पे गाड़ी सुखाने का काम होता है, लेकिन क्या ही सुखाएंगे, बारिश चालू हो गई है तो सुखाने का मतलब बनता ही नहीं है। इसे वेंटिलेटर क्लीन कर लेंगे और फिर निकल जाएंगे हम। फाइनली गाड़ी हो चुकी है, एकदम क्लीन हो चुकी है एंड अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही, तो भाई मतलब था ही नहीं एक्चुअली वॉश करवाने का। बट मेरा मेन जो था ना वो सिर्फ बोनेट, तो मैंने अगर सिर्फ बोनेट का काम करवा लिया होता ना, मतलब सिर्फ बोनेट पे पानी मरवा लिया होता ना, तो भी मेरा काम हो गया होता। बट चलो अभी एनीवेज जो किया सो किया। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ टू बोरेली वेस्ट में नियर द स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे ना पंकित अभी आ रही है एंड वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का काम है बीएमसी में। ये है हमारा बीएमसी, कुछ डॉक्यूमेंट्स देना था मुझे। तो ये सब जो शेड्स है ना, ये तो एक्स्ट्रा सीट है, ये तो नहीं चाहिए एंड जो शेड्स है ना ये भी मैं लेके जाऊँगा जॉनी के लिए। भाई अभी हम जा रहे हैं अपने घर पे एंड ये गाड़ी ना आज चलते से जाने वाली है ऋषि के साथ लोकल ड्यूटी, फिर कल जा रही है पूना एंड उसके बाद वापस चार दिन लोकल है। भाई अभी मुझे घर पे जाके ना बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारा। मैंने बैक पैक कुछ भी नहीं किया, मतलब मैंने सोचा भी नहीं मैं कौन से कपड़े लेके जाने वाला भाई। तो आज का ट्रिप तो पता है दिल्ली जा रहा हूँ भाई, दिल्ली मतलब फिर से दिल्ली जा रहा हूँ, मतलब मजा आता है भाई वो रूट पर जाने को। एंड बहुत खास ट्रिप है आज, क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ हमारी गाड़ी में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है भाई। तो व्लॉग एंड तक देखना, आज का व्लॉग में आपको पता चलेगा एक्चुअली क्या सीन है। तो भाई जो भी है ना भाई बहुत मजा आएगा। अभी फटाफट घर पे जाके ना पहले पैक पैक करना है, खाना पार्सल करना है, क्योंकि गाड़ी में मैं हल्का फुल्का नाश्ता भी लेके जाने वाला हूँ। प्लस मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊँ, तो उसका जो पुर्जे होते हैं जैसे गोप्रो वगैरह उसका सामान ये वो सब भी मैं लेके जाऊँगा। तो चलो अभी फिलहाल घर में पहुँचने की तैयारी हूँ एंड घर जाते। सगाई सभी बजे शाम के 4, लेकिन बादल देखो कितना ब्लैक है, मतलब फ्लैश लाइट चालू हो गया मेरा आईफोन का यार, रुको इसको बंद करने दो। हाँ अभी देखो भाई कितना ब्लैक क्लाउड है, कितना ब्लैक। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले कहाँ पे पता है, शेविंग करवाने भाई। सो गाइस जस्ट मैंने अभी शेविंग हो चुका है एंड अभी निकलना है टू गो टू ब्रीच कैंडी। पिकअप मेरा जो है वो है ब्रीच कैंडी से एंड अभी मैंने यहाँ से सलून से लिया है ये क्या बोलते हैं सिरम, हेयर सीरम स्ट्रिक्स कंपनी का है एंड ये है अपना सलून स्टाइलर सलून। अभी यहाँ पे स्टेशनरी पे शॉपिंग गया था एंड वहाँ से ना मैंने परमिट कॉपी निकाल लिया है मेरा गाड़ी का, क्योंकि परमिट निकालना स्टेट पर ना हम जैसे टूरिस्ट कार्स है ना उन लोग को ना परमिट निकालना पड़ता है एवरी स्टेट के बॉर्डर जब वो क्रॉस करते हैं। तो मैंने 3 स्टेट का निकाल दिया है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है। और दिल्ली का जो है ना वो मुझे शायद वहीं पे जाके निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन एम परिवहन पे या parivahan.com पे वो अवेलेबल नहीं था वो सिटी सॉरी वो स्टेट। तो बस अभी जाते हैं फटाफट पेट्रोल पंप पे, क्योंकि गाड़ी में डीजल कितना है ये देखो ऑलमोस्ट ना के बराबर, और हमको जाना है ब्रीच कैंडी तो बहुत दूर है।
तो चलो फटाफट डीजल भर लेते हैं। जो 445 एंड अभी मैं आया हूँ बीपी में, यहाँ पे मतलब 12 पेट्रोल पे, यहाँ पे डीजल भर रहे 94 रुपीज़ का लीटर। अप्रॉक्सिम 1500 का डीजल भरूंगा एंड फिर ब्रिज कंडी पहुँचना है भाई। एंड मैं आपको एक चीज़ देखा था मेरी गाड़ी में, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, सामान पूरा ऐसे मैंने बिखरा पड़ा है। वो कल मैंने लिया था रिदम से गाड़ी में से सामान, अपना बैक कुशन क्या बोलते हैं कमर के लिए मैंने तकिया लिया था, तो वो भी सब लगाना है क्योंकि मैं टाइम नहीं है, बहुत लेट हो चुका हूँ। तो पहुँचते अप्रॉक्सिमेट मुझे 6:30 बज जाएगा, तो उसके बाद ये सारा चीज़ मैं ऑर्गेनाइज करूँगा। बीच में सीट भी डालना है मेरे को। देखो अभी हम इंस्टॉल करें यूट्यूब म्यूज़िक, क्योंकि मेरा लास्ट जॉनर प्लेयर था वो चेंज हो गया था, तो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था। तो भाई इसके बगैर अपनी दुनिया की अधूरी है ऐसा मुझे लगता है, तो भाई ये तो नेसेसरी है, बहुत लंबा जर्नी है अपना। गाइस बारिश देखो यार, क्या मस्त बारिश हो रही है यार, हल्की फुल्की बारिश। ये मंथ में एक्चुअली बारिश नहीं होनी चाहिए यार, बट इस बार है ना बारिश बहुत लेट तक रुकी है, बहुत लेट तक। मैं तो फिलहाल भगवान के गाना सुन रहा हूँ, क्योंकि भाई जब गाड़ी शुरू होती ना दिन में पहली बार, तो हम तो भगवान के गाने सुनते हैं गाड़ी में। तो बस अभी ये इसके बाद एक और गाना है एंड उसके बाद मैं अपने अपने गाने सुनूंगा। चालू हो गया सब, जितने भी मेरे गाने थे ऑन YouTube म्यूजिक वो सब मैंने रख दिया डाउनलोडिंग पे ऑन वेरी हाई क्वालिटी, बिकॉज मैंने वो परचेज किया है, मुझे वो YouTube की तरह से फ्री नहीं है। भाई हम जब हम वापस जाने वाले हैं ना टू दिल्ली, तो हमको ये सामने से रूट से आना है, और ट्रैफिक देखो भाई। तो अभी हमने ना कस्टमर से रिक्वेस्ट की थी कि सर आप देखो ऐसे भी आप निकलते 7:38 हो जाएगा, उससे अच्छा और एक आध घंटा आराम कर लो और फिर निकलते हैं, क्योंकि 10-11 बजे के बाद ये जो रूट पे जो ट्रैफिक है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कस्टमर तो फिलहाल मान गए, बट अभी एक बार वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि क्या होता है भाई। कैसे कैसे करते मरते मरते हम लोग पहुँचे गए बांद्रा, और राइट साइड पर भी ट्रैफिक बहुत है। पहले तो मेरे साइड पर भी ट्रैफिक था, लेकिन अभी राइट में भी, मतलब यहाँ पर तो ट्रैफिक होना ही था ये टाइम पर, तो लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ट्रैफिक था सांता क्रूज़ में, पार्ला में। फिलहाल तो रास्ता क्लियर मिला है एंड अभी भी ETA दिखा रहा है ऑलमोस्ट 1 घंटा। भाई अभी हम लोग आगे सीलिंग के ऊपर एंड यहाँ पे तो भाई बारिश कम, हवा बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा, पूरी गाड़ी ना ऐसे ऐसे हिल रही है भाई, ज़बरदस्त हवा है, ज़बरदस्त। भाई अभी हम लोग किधर है सीलिंग के ऊपर, और ये देखो पूरा सीलिंग जाम है भाई, पूरा सीलिंग जाम है भाई। ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह को जा रहा हूँ ऑफिस में 8 या 9 बजे भाई, क्या है भाई ये क्या है। चलो एनीवेज रोने का नहीं भाई, रोने का नहीं, बहुत रो लिया जिंदगी में, बहुत रो लिया, अभी रोने का काम नहीं, अभी सिर्फ हंसने का काम है और हंसाने का काम है भाई बस। भाई क्या बारिश हो रही है यार, सिर्फ और सिर्फ शाम के 6 बजे है, लेकिन क्या ब्लैकआउट हो गया भाई, क्या ब्लैकआउट। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखो सामने एक बहुत बड़ा टावर है, आपको दिख रहा है पूरा, मतलब पूरा ये बादलों से ढक चुका है पूरा। भाई क्या नजारा है भाई, सोचो यहाँ से दिल्ली, हम जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली तक ऐसी बारिश मिले तो भाई मजा आ जाएगा यार, क्या मौसम है यार। ये देखो सामने है अंबानी का घर, ठीक है, मुकेश अंबानी का घर है, एंड ये देखो पूरा बादलों से ढका हुआ है, क्या नजारा है भाई। उन लोगों को कितना जबरदस्त लग रहा होगा ना यार, सब विंडो खोल दिया तो चला अंदर ही अंदर पूरा फॉग ही फॉग, फॉग मतलब वो ही बादल। सो गाइस वी आर अबाउट टू रीच द डेस्टिनेशन, मतलब पिकअप डेस्टिनेशन है, तो बस अभी आगे से राइट मार के हार्डली कितना 1 मिनट का रास्ता है, तो चलो फिर देखते कैसी है। पहुंच गए हम लोग डेस्टिनेशन पे एंड आज है ना हमारे साथ कम से कम 10 गाड़ियां जा रही है, 8 गाड़ी तो पक्का है और शायद एक्सीडेंट होगा गाड़ी, तो लेट्स वो कितना होता है, लेकिन फिलहाल तो 8 गाड़ी कंफर्म है। और मुझे मेरे पीछे का जो भी पूरा सामान है ना, अरे लाइट भाई पीछे का जो सब सामान है ना वो सब एडजस्ट करना, फटाफट एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी बज गए हैं 7:35 एंड देखो 2 क्रिस्टा वहाँ पे है, एक मेरी है, एक राज भाई की है, सॉरी राज भाई की है, फिर मेरी है, फिर एक और क्रिस्टा है, और 6-7 गाड़ी नीचे खड़ी है, ये हमारे राज भाई। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? दिल्ली। कितनी गाड़ी टोटल? 8 गाड़ी है। तो बस अभी यहाँ से निकलने वाले दिल्ली के लिए, रात को 10-11 बजे निकलेंगे क्योंकि बहुत ट्रैफिक है यार, कितने बजे पहुंचेंगे कार रुकने वाले कुछ पता नहीं भाई, कुछ पता नहीं। सो गाइस ऑलमोस्ट 8 गाड़ी का सब सामान लोड हो चुका है, देखो एक गाड़ी यहाँ पे है, एक गाड़ी यहाँ पे, बाकी सब गाड़ी नीचे गई है। क्या बहुत 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 खुश हो रहे तुम? साथ में दिल्ली चल रहे ना, और क्या वाह, मजा आ रहा है। तो अभी बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से, रात के बज गए हैं 9:50 एंड अब देखते हैं आगे क्या है, कुछ हमने डिसाइड नहीं किया, कार रुकते हैं, क्या खाना है, क्या पीना, कुछ सोचा नहीं है। अभी मैंने ट्रिप 0-0 कर दिया है, देखो ट्रिप AB0 है, ट्रिप BB0 है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से एंड क्या कर रहे भाई, अरे चलो ना बैठो ना अभी। तो अभी बज गए रात के 11:30 एंड अभी हम लोग पहुंच चुके हैं किनारा धाबा के, वहाँ पे अभी यहाँ पे सब गाड़ी आने वाली, 3 गाड़ी आई है, बाकी सब गाड़ी ना अभी यहाँ से आ रही है, तो अभी हम सब लोग यहाँ पे लाइन अप करेंगे एंड फिर निकलेंगे टूवर्ड्स गो टू दिल्ली। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो क्या चलो आज के लोग हम यहीं पे एंड करते हैं, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ब्लॉग करते जा रहे हैं एनीवेज, तो आज के लोग यहीं पे एंड करते हैं एंड ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं गाड़ी में के वापस। तो चलो अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में।